वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए विमान हादसे में शहीद हुए CDS विपिन रावत सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए झुंझुनवाला PG कॉलेज की NCC कैडेट की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के गांधी पार्क से सिविल लाइन पेट्रोल पंप होते हुए पुनः गांधी पार्क में समाप्त हुआ। गोरखपुर में टॉफी खिलाने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म, दो बेटियों का पिता है आरोपी। गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल इलाके में एक मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर टॉफी देने के बहाने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। PM मोदी ने कल किया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण। 9 जिलों के 29 लाख किसानों को होगा लाभ। 1978 से शुरू हुई सरयू नहर परियोजना पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी परियोजना का लोकार्पण कल किया। गोंडा सहित 9 जिलों के किसानों के लिए यह परियोजना एक वरदान साबित होगी। जिले में 808 किलोमीटर लंबे इस नहर योजना से किसानों को महंगी सिंचाई की परेशानी से प्रभावी तौर पर छुटकारा मिलेगा। गोंडा जिले में यह सरयू नहर बहराइच से होकर प्रवेश करेगी। 1-2 गैप को छोड़कर परियोजना का कार्य लगभग पूरा है। शनिवार को PM मोदी ने इस सौगात को देश को समर्पित किया। खबर लखनऊ से है। घूसखोरी के आरोप में DSP को सस्पेंड करने के आदेश। रामपुर के तत्कालीन CEO सिटी विद्या किशोर मिश्रा सस्पेंड। विद्या किशोर मिश्रा का घूस मांगने का वीडियो हुआ था वायरल। फैजाबाद के पूर्व CGM सुनील कुमार सिंह ए वर्तमान में ललितपुर जनपद में सिविल जज के रूप में कार्यरत थे। उनका हृदय गति रुकने के कारण अचानक निधन हो गया। तालाब में डूबने से 11 गोवंशों की मौत। ग्रामीणों के प्रदर्शन पर मौके पर SP के साथ पहुंचे DM। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के लखना गांव के सार्वजनिक तालाब में 11 गोवंश के शव तैरते मिलने के मामले की जांच करने शुक्रवार को जिलाधिकारी व SP मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि खेतों को नुकसान से बचाने के लिए छुट्टा जानवरों को जलकुंभी युक्त तालाब में कूदने पर विवश कर दिया गया। इसमें फंसकर उनके तालाब में डूबकर मौत हो गई। खबर लखनऊ से है। CBCID के इंस्पेक्टर अजाज सिंह केसरी पर FIR। कोर्ट ने आदेश दिए, दर्ज हुई FIR। सब इंस्पेक्टर नेपाल सिंह ने कोर्ट में की थी शिकायत। जांच के नाम पर धन उगाही का लगाया था आरोप। बुजुर्ग महिला से 50,000 रुपए की टप्पेबाजी। खबर अयोध्या से है। बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी हुई। कैनरा बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर जा रही बुजुर्ग महिला से टप्पेबाज ने रुपए कम होने का हवाला देकर 50,000 रुपए लेकर हुआ चंपत। महिला ने पुलिस से की शिकायत। थाना कैंट के प्रधान डाकघर के पास हुई टप्पेबाजी। थाना क्षेत्र के ही सदर बाजार की रहने वाली है बुजुर्ग महिला। पिछले दिनों शहर में कुछ लूट का कल SSP शैलेंद्र पांडे ने खुलासा किया। लूट के इस खुलासे में जिले की पुलिस को 7 लुटेरों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। तो वहीं इन लुटेरों का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बता दें कि बीते 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी रुपए लूट लिए गए थे। थाना कैंट में मामला दर्ज होने के बाद कैंट पुलिस व SOG टीम इस मामले के खुलासे के लिए जाँच कर रही थी कि मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुर नहर पुलिया पर दबिश दी गई, जहां पर 7 लुटेरों को पकड़ा गया। जनपदीय स्काउट गाइड रैली का भव्य शुभारंभ। रैली में स्काउट गाइड की अलग अलग कुल 64 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। 12 दिसंबर को समापन अवसर पर सम्मानित की जाएंगी टीमें। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने स्काउट गाइड को दी शुभकामनाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह 14वीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 बाइक सवारों को बस ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। खबर गोंडा से है। अयोध्या मार्ग स्थित पूरे तिवारी के पास देर शाम को 2 बाइक सवार युवकों को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक समस्या से पीड़ित मां अपनी 4 बेटियों के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास, लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने समस्या सुन क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक को तत्काल मौके पर भेजकर समस्या का निस्तारण कराने के दिए निर्देश।
उमरिया के पास ट्रैक्टर ट्रेलर के चपेट में आने से एक बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस व परिजनों को देते हुए उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार ले गए, जहां पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। उमरी बेगमगंज गोंडा गेहूं की बुआई जोरों पर है, लेकिन किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अधिकतर दुकानों पर डीएपी की उपलब्धता नहीं है तो कई दुकानदार गेहूं का बीज खरीदने पर ही डीएपी खाद किसानों को दे रहे हैं। कुछ लोग ब्लैक में 1350 से लेकर 1400 रुपए में एक बोरी खाद चोरी चोरी बेच रहे हैं। अब खाद न मिलने से किसानों की बुआई प्रभावित हो रही है। जनपद में खाद की कालाबाजारी चरम पर है। नकहा बसंत में एक ही रात में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी समेत चार घरों में धावा बोलकर चोरों ने 6 लाख रुपए के जेवर उड़ाए। सुबह सोने चांदी के जेवर के दर्जनों पैकेट गन्ने के खेत व छत पर बिखरे हुए मिले। सुभाष सिंह हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। हत्या में शामिल दो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल व कारतूस को बरामद कर भेजा सलाखों के पीछे। आजमगढ़ में लेखपाल और उसकी पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लेखपाल की बहू ने बेहद ही खौफनाक प्लान बनाकर अपने ही सास ससुर की हत्या कर दी। उसकी प्लानिंग पति की हत्या की भी थी। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बहू सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार मुख्य अभियुक्त पर SP ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।